ना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जनजाति की ओर। नेक्स्ट जो जनजाति हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज गोंड। गोंड जो जनजाति है हम लोग पहले ही बातें कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ही, जब ट्राइब्स का जनजातियों का पहला वीडियो देख रहे थे उसी समय, कि गोंड यह भारत की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली सबसे ज़्यादा इसी गोंड का ही पॉपुलेशन है। क्लियर। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 53,676 है। क्लियर। जो राज्य की जनजातीय जनसंख्या का 0.62% है। इनकी भाषा गोंडी है। गोंडी भाषा का भाषा परिवार द्रविड़ है। क्लियर। इनकी भाषा गोंडी है बट ये बोलचाल में सादरी नागपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। सादरी नागपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं निवास। इनका निवास मुख्य निवास क्षेत्र है गुमला, रांची, सिमडेगा, पलामू, एवं कोल्हान प्रमंडल। क्लियर। सामाजिक व्यवस्था। गोंड समाज को तीन वर्गों में विभाजित, जो गोंड समाज है ये तीन वर्गों में विभाजित है। क्लियर। राजगोंड, राजगोंड ये अभिजात वर्ग के होते हैं, मीन्स एलाइट क्लास अभिजात वर्ग। इसमें मालगुजार, पटेल और गांव के जमीन के मुखिया होते हैं। क्लियर। धूर गोंड दूसरा वर्ग है। धूर गोंड सामान्य वर्ग का होता है।
ये मुख्य रूप से ये कृषक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज कमियां। कमियां गोंड ये मेनली भूमिहीन श्रमिक मजदूर होते हैं। भूमिहीन श्रमिक मजदूर जिसके पास भूमि नहीं होती है। क्लियर। इनके युवा गृह को घोटुल कहते हैं। क्लियर। इनमें ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार का काफी महत्व है। ये संयुक्त परिवार को भाई बंध कहते हैं। क्लियर। जब संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, या फिर हम लोग कहते हैं विकसित हो जाता है, तो उसे भाई बिरादरी कहा जाता है। जब ये विस्तृत परिवार में बदल जाता है। क्लियर। ध्यान रहे जो हम लोग ये तीन वर्ग गोंड समाज के जो गोंड समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, ये दो थोड़ा डिफरेंट बुक में ये वेरी कर सकता है। हम लोग जो लिए हैं वो है एज पर डॉक्टर मनीष रंजन की झारखंड जीएस की बुक से। क्लियर। आगे देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था। ये इनका मुख्य पेशा खेती बाड़ी ही है। खेत और मजदूरी भी ये करते हैं। ये स्थानांतरित खेती करते थे जिसे ये दीपा या बेवार कहते हैं। स्थानांतरित खेती को दीपा या बेवार कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं स्थानांतरित। धर्म, इनका प्रमुख देवता ठाकुर देव। और ठाकुर देव, ठाकुर देव सूर्य का प्रतीक है और ठाकुर देवी धरती का प्रतीक है। ठाकुर देव को बूढ़ा देव भी कहा जाता है। क्लियर। ठाकुर देव सूर्य का प्रतीक है और ठाकुर देई धरती का प्रतीक है। पुजारी, इनका जो पुजारी होता है वो बैगा या सयाना कहलाता है। क्लियर। जो पुजारी का सहायक होता है बैगा का, सॉरी बैगा का सहायक होता है, बैगा के सहायक को
मति कहते हैं। क्लियर। इनके मुख्य त्यौहार हो गए कर्मा, सरहुल, सोहराय, जितिया। क्लियर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं गोंड जनजाति के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।